ऋषभ देव की टीचिंग। तो इसमें वो अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकर्मों व शुकर्मों की तरह जो है अत्यधिक श्रम करने की जरूरत नहीं है, और हमें अपना जो मनुष्य जीवन है बहुत ही वैल्यूएबल है, और इसको जो है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को रिवाइव करने में अर्थात पुनर्जागृत करने में लगाना चाहिए, और इसके लिए ही ये मिला हुआ है, जिसके लिए हमें सभी प्रकार की तपस्या करनी चाहिए। और तापसिक कर्म के द्वारा जब हम तपस्या करते हैं तो फिर हमारे हृदय में जो है जो गंदगियां रहती हैं भौतिक कल्मश वो दूर हो जाते हैं, और फिर आध्यात्मिक पद पर को ऊपर उठ करके प्राप्त करता है। और इस तरह की सिद्धि लेने पर वह जो है भक्त की शरण लेकर के उनकी सेवा करती है, जिससे कि मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और फिर जो कामिनी और इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहते हैं, धीरे धीरे उनकी भौतिक जो चेतना है उसी में उलझ करके जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी के चक्कर में जो है वो फंस जाते हैं और दुख को भोगते हैं। और जो सभी के कल्याण में लगे रहते हैं और संतान परिवार में लिप्त नहीं रहते वही महात्मा। और इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए पवित्र या अपवित्र कर्म करने वाले व्यक्ति आत्मा के प्रयोजन को समझ नहीं सकते कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ वो बोले कि महान भक्त के पास जा करके उनसे जो है दीक्षा लेनी चाहिए, उनसे उस गुरु से जो है ईश्वर की भक्ति के बारे में और भौतिक वस्तुओं से विरक्ति, भौतिक सुख दुख शोक ये सब सहने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए, अर्थात द्वंद्वता से ऊपर उठना है, और तब सभी जीवात्माएं समान दिखेंगी और दिव्य समयों को दिव्य विषयों को जानने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी, अर्थात हम जो है तब परम में सुनने के लिए व्याकुल होंगे और श्री कृष्ण की लगातार प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते रहने पर पत्नी संतान घर बार ये सबसे जो है वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और मनुष्य को समय गंवाना नहीं चाहता है क्योंकि उसको ये पता है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल लाइफ है और इसको इमीडिएटली जो है यूटिलाइज करना, इस प्रकार वह व्यक्ति जो है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बन जाता है, अर्थात वह अपने स्वरूप में जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास उस स्वरूप में व्यवस्थित हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे भौतिक कार्यों में लगा नहीं रहता है। जो व्यक्ति अपने भक्ति उपदेश के द्वारा दूसरे का उद्धार नहीं करता वह गुरु माता पिता पति का भागी नहीं हो सकता, अर्थात वह उसका अधिकारी नहीं है।